वेलकम टू प्रिंसिपल मैम आल्सो, वो भी साथ में यहाँ आए हैं, एंड ऑल माय लिटिल हार्ट्स. सभी मजा कर रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं. आज हम लोग मॉर्निंग से क्या करने आए हैं यहाँ पर? रावण दहन करने. लेकिन रावण दहन के लिए बेटा उनका कोई वर्ड होता है, किसको पता है? आज क्या है, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? दशहरा. वेरी गुड. सो वी ऑल आर गैदर्ड हियर सेलिब्रेट टू गॉड रामस विक्ट्री ओवर द लंकापति रावण के ऊपर. राम जी की विजय हुई थी, जिसे हम लोग बेटा विजयदशमी के नाम से बुलाते हैं. किस नाम से बुलाते हैं? विजयदशमी के नाम से बुलाते हैं. दशहरा उसका सेकेंड नेम है. फर्स्ट नेम है विजयदशमी, विक्ट्री ऑफ गॉड, गुड ओवर इवल. ठीक है, एक राक्षस के ऊपर भगवान ने विजय प्राप्त की थी, तो उसके उपलक्ष में हम लोग विजयदशमी को सेलिब्रेट करते हैं, है ना. और रावण के कितने हेड हैं, कितने सिर हैं? देखो 10 सिर हैं रावण के, 10 सिर है ना. और किसी के 10 सिर होते हैं? नो. तो रावण में क्या था, अच्छे भी थे लेकिन बहुत बुरे थे. और उन्होंने बुरा क्या किया था? सीता जी को उठाकर ले गए थे. क्या किया था उन्होंने? सीता जी को उठाकर ले गए थे. तो उसी के लिए राम जी ने लंका पर आक्रमण किया था और उनके सेना को हराया था, रावण को मार गिराया था. और आज उनके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अभी आगे का सब कुछ आपको आशा मैम बताएंगे. तो मैं आशा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो आए और आगे का बताएं. हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहै सुनि बहु विधि सब संता. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पीएम मैम, प्रिंसिपल मैम, सभी अध्यापकगण और विद्यार्थीगण, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारक हो. भारत एक ऐसा देश है जो अपनी परंपरा, संस्कृति और उत्सवों के लिए जाना जाता है. यहाँ हर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. विजयदशमी या दशहरा एक पर्व मात्र नहीं, बल्कि यह सत्य, साहस, अच्छाई, मित्रता, वीरता, निस्वार्थ सहायता जैसे अच्छे व कुछ बुरे तत्वों का प्रतीक है. यह श्री राम की नीति, आचरण, मर्यादा, सदाचार और सत्य निष्ठा का प्रतीक है. दशहरा एक उम्मीद जगाता है बुराई के अंत की, और याद दिलाता है कि जो चलता है सच्चाई और अच्छाई की राह पर, वह विजय का प्रतीक बन जाता है. असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है दशहरा. इस पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है. यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और इस दिन को महिषासुर मर्दन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर नामक दैत्य से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया था. नवरात्र को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है. इन 9 दिनों में भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है. जिस प्रकार रावण प्रतापी होते हुए भी अनीति और दुष्कर्म के पथ पर चला और उसका विनाश हुआ, उसी प्रकार इन प्रतीकों के पर्याय बन चुके हमारे मन में बसे रावण जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि का विनाश करना आवश्यक है. जिस प्रकार अंधकार का नाश करने के लिए एक दीपक जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार अपने अंदर के रावण का विनाश करने के लिए एक अच्छी सोच ही काफ़ी है. दहन पुतलों का नहीं, दहन पुतलों का नहीं, बुरे विचारों का भी करना होगा. श्री राम का करके स्मरण,
हर रावण से हमें लड़ना होगा, हर रावण से हमें लड़ना होगा। राम शब्द में वह शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा प्रदान करती है। राम शब्द से आत्मिक शांति मिलती है। श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था और स्वाभिमान से जीवन जीने की दिशा दिखाई थी। अब मैं कुछ श्री राम जी के बारे में और रामायण के बारे में कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी कि श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में। राम रावण युद्ध के दौरान भगवान राम के लिए इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में 24,000 छंद या चौपाई हैं जो 7 खंड में विभाजित हैं। हम हर 1,000 छंद का पहला अक्षर लें तो हमें 24 अक्षर मिलेंगे जो मिलकर गायत्री मंत्र बनाते हैं। हर 1,000 शब्द चौपाई के बाद एक जो पहला वर्ड होगा 1,000वें चौपाई का, ये इससे हमें 24 अक्षर मिलेंगे, इनसे ही गायत्री मंत्र बनता है। श्री राम की माता कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। भगवान विष्णु ने पूर्व जन्म में कौशल्या को वचन दिया था कि त्रेता युग में वह उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लिया करती थी, इसलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष जिसका नाम पिनाक था उस पर पतंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए थे तो उन्हें मार्ग में नंदी मिला, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जिस दिन रावण सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में लाए थे, उसी दिन ब्रह्मा जी ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वह दिव्य खीर दी, जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वह अशोक वाटिका में बिना कुछ खाए पिए इतने दिन तक रह सके थे। रामायण के अनुसार श्री राम की बड़ी बहन का नाम शांता था। राजा दशरथ ने रोमपद और वर्षिणी को अपनी पहली पुत्री दे दी थी, जिसका विवाह ऋष्यशृंग ऋषि से हुआ था। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ भी ऋष्यशृंग ऋषि से ही करवाया था। रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीव था, जबकि शूर्पणखा भी रावण का विनाश चाहती थी, क्योंकि एक युद्ध के समय शूर्पणखा के पति की जो हत्या है वो रावण के युद्ध के समय ही हो गई थी, तो इसलिए शूर्पणखा भी अपने मन से चाहती थी कि रावण का विनाश हो। राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग जी का, भरत सुदर्शन चक्र का और शत्रुघ्न शंख शैवाल के रूप में माने जाते हैं, ये उनका अवतार माने जाते हैं। राम सेतु बनाने में केवल 5 दिन लगे थे और यह नल नील द्वारा तैयार किया गया था और इस राम सेतु की लंबाई 30 मील है। धन्यवाद, मुझे लगा कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं जाना हुआ होगा, तो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा इसके बारे में। तो मेरे साथ मिलके सभी बच्चे बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। सुना आप सबने, क्या सुना और क्या आया उसमें से? जय श्री राम किस किस ने बोला है? अच्छा, जोर से बोलेंगे सभी। अभी आवाज नहीं आई है, स्टाफ की भी नहीं आई है। जय श्री राम। तो चलिए, एक बहुत ही रोमांचक जो नेक्स्ट हमारा ऑलवेज होता है जीके क्विज, जो सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, और स्टूडेंट्स तो बहुत छोटे हैं इसलिए नहीं बता पाएंगे। तो जितने यहाँ पे
स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, सर मैम हैं, पिया मैम हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है जीके क्वेश्चन कुछ पूछ रही हूँ, उसके आंसर जानना चाहती हूँ, देखते हैं कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। हम कितना जानते हैं अपनी रामायण को, कितना जानते हैं आज के इस दिवस को? तो सबसे पहले रामायण के रचनाकार का नाम बताइए, रामायण के रचनाकार का नाम बताइए। यस, वाल्मीकि, वेरी गुड। तो क्लैप्स करते हैं ना बेटा, टीचर्स भी बताएंगे, सर भी बताएंगे। यस, राजा दशरथ के चार पुत्रों में से कौन से दो सगे भाई थे? राजा दशरथ के चार पुत्र थे, उसमें से कौन से दो सगे भाई थे? वेरी गुड, आयुष के लिए क्लैपिंग। सबसे पहले मैं इतनी ऊंची आवाज तो होनी चाहिए। ओके, रामायण के अध्यायों को क्या कहते हैं? कांड, वेरी गुड। क्लैप फॉर अर्चना मैम। राजा दशरथ के पिता का नाम बताएं। क्लैप फॉर सुमन मैम। किसके कहने पर राम जी ने सीता को घर से निकाला था? वेरी गुड, सीमा मैम के लिए क्लैप। सर को बता दो भी का। ओके, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी का दूसरा नाम बेटा, यमुना नदी अलग है, गंगा नदी अलग है। गंगा नदी का दूसरा नाम जाह्नवी। जोर से बोले, गंगा नदी का सेकेंड नेम क्या है? और जो नहीं आता ना, आज घर जाके पेरेंट्स से पूछना कि मम्मी पापा बताइए गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। आप सबको रिमाइंड हो गया क्या नाम है गंगा नदी का? जाह्नवी, वेरी गुड। चलें, महाराज जनक द्वारा करवाए गए यज्ञ में विश्वामित्र किन्हें अपने साथ लेकर गए थे? रामायण में विश्वामित्र जी लेकर गए थे राम लक्ष्मण को, वेरी गुड। वनवास जाते समय सीता जी की आयु कितनी थी? वनवास जाते समय सीता जी की आयु कितनी थी? 18 वर्ष की आयु में सीता जी वनवास चले गए थे। समुद्र पर 100 योजन लंबा पुल बनाने में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही? नल नील की, सबसे महत्वपूर्ण, राम जी ने उन्हीं को ये काम सौंपा था। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सर्वप्रथम भेंट किससे की थी? विभीषण, नहीं, वो एपिसोड याद करिए, वो लंका में पहले विभीषण जी के यहाँ नहीं पहुंचे थे, वो सबसे पहले लंकिनी के पास पहुंचे थे, शोक वाटिका में लंकिनी के पास पहुंचे थे, उसके बाद सबसे भेंट की थी, वो सबसे पहले वहीं पहुंचे थे। ओके, जो पुल नल नील द्वारा बनाया गया था उस पुल का क्या नाम था? नल सेतु, जो उनके द्वारा बनाया गया था उस पुल को नाम नल सेतु दिया गया था। रामायण का दूसरा नाम बताओ, ये कोई नहीं जानता होगा शायद से। रामायण का दूसरा नाम दशानन वद। रामायण का दूसरा नाम है क्या है? तो दशानन क्या है? दशानन मतलब रावण को बोला जाता है, दो जिसके 10 सिर होते हैं, ठीक है। ओके, यज्ञ की रक्षा करते समय राम जी ने किस राक्षस का वध किया था? नहीं बेटा, ये सब बताएंगे। यज्ञ की रक्षा करते समय राम जी ने किस राक्षस का वध किया था जब वाल्मीकि जी लेकर गए थे? सुबाहु, वेरी गुड। क्लास फोर सुमन मैम।
राजा दशरथ के पुरोहित कौन थे? राजा दशरथ के पुरोहित वामदेव जी। वामदेव राजा दशरथ के पुरोहित थे। दशरथ किस राजवंश के राजा थे? कौन सा राजवंश चल रहा है जो दशरथ थे आगे राम जी थे, कौन सा वंश था? वो इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे दशरथ जी। अयोध्या किस जनपद की राजधानी है? वेरी गुड। अर्चना मैम को थोड़े ज्यादा आते हैं क्योंकि अर्चना मैम वहीं से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम लक्ष्मण की शूर्पनखा से भेंट कहाँ हुई थी? वेरी इजी क्वेश्चन। पंचवटी में। वेरी गुड। सीता हरण करने के लिए रावण ने किसकी सहायता ली थी? मारिच की। मारिच क्या बन के आए थे? हिरण। वेरी गुड। बेटा आपको पता है जब सीता जी को हरने के लिए गए थे उससे पहले वहां पे एक हिरण आया था। आज इसकी स्टोरी घर जाके आप लोग टीवी पर देखना, बहुत कार्टून्स देखते हो ना, तो आज सीता हरण एपिसोड देखना सारे जाकर, ठीक है? ओके, रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? अभी आवाज आई है, किसकी आई है? कुबेर से, अपने भाई, जो उनके भाई थे, कुबेर जो रावण के भाई थे उनके पास था पुष्पक विमान जो उन्होंने उनसे छीना था। रावण ने सीता को हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा था? अशोक वाटिका में। वेरी गुड। लंकापुरी के कितने मुख्य द्वार थे? लंकापुरी के कुल चार द्वार थे मुख्य। लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला। वेरी गुड। राम की पत्नी का, रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। okay. रावण सीता को अपने साथ कहां ले गया था? वेरी गुड। राम जी ने भी आंसर दिया, राम जी के लिए तो क्लैपिंग बनती है सभी। सीता जी के पिताजी का क्या नाम था? राजा जनक। वेरी गुड। राम जी सीता को क्या कहकर बुलाते थे? सीते। पूरे रामायण में वो सीते कहते सुने गए हैं, सीते कहते थे वो, ठीक है। श्री राम जी की माता का नाम बताएं। यस स्टूडेंट, श्री राम जी की माता कौन थी? वेरी गुड। और श्री राम जी के पिता? और श्री राम जी के भाई? और दो कौन से थे? वेरी गुड। और राम जी के परम भक्त कौन है? और यहाँ पर बैठे हैं हनुमान जी? कहाँ बैठे हैं? ओके, तो हनुमान जी के लिए एक बार जोर से हनुमान जी बोलेंगे जय श्री राम। हनुमान जी ने तो बोला ही नहीं है ना, जोर से बोले हनुमान जी जय श्री राम। नेक्स्ट, आगे हनुमान चालीसा, वो तो रीति है, हनुमान चालीसा होती है, होती रहेगी, और उनके बिना तो कोई काज। आज रामचरित, रावण जलन दहन पर, विजयदशमी पर, उनके बिना तो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात हनुमान चालीसा के बारे में, ये कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी और किसने लिखी थी, कोई बता सकता है? हनुमान चालीसा किसने लिखी थी, कब लिखी थी और क्यों लिखी थी? हाँ, तुलसीदास जी ने लिखी थी। यस, बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स भी उधर से बोलिए जो लेट आए हैं अभी, सीनियर सभी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। ये बात है 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में अकबर के काल में तुलसीदास जी थे। जब अकबर का काल था तब तुलसीदास जी थे। तो एक बार तुलसीदास जी घूमने के लिए मथुरा जा रहे थे और रात होने से पहले वो आगरा में रुके। तो वहां तब ट्रेन तो होती नहीं थी, तो पैदल यात्रा होती थी या रथ यात्रा होती थी। तो वो लोग आगरा में रुके तो
तो लोगों को पता चला तो वो सारे तुलसीदास जी को प्रणाम करने के लिए आए और उनके दर्शनों का वहां पे तांता लग गया। जैसे ही अकबर को पता चला तो ये कौन है, तो सबने उनको बताया कि ये रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो सभी लोग इनसे मिलने जा रहे हैं, इनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अकबर ने भी बोला कि मुझे भी उनके दर्शन करने हैं, लेकिन वो दर्शन के लिए खुद नहीं गए, उन्होंने तुलसीदास जी को अपने किले में बुलाया। तो जब सेना उनके सेनापति गए वहां पे उनको बुलाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, ना किसी किले में ना किसी दरबार में, मैं सिर्फ अपने भगवान के यहाँ जाता हूँ और कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर अकबर को क्रोध आ गया और उसने उनको जंजीरों से जकड़ कर लाने के लिए बोला। और जंजीरों से जकड़ कर जब सिपाही उनको लेकर आए तो उन्होंने प्रणाम करने से मना कर दिया। तो राजा अकबर ने उनको कारागार में डाल दिया, एक काल कोठरी में डाल दिया। तो वहां पर उनको बहुत दुख लगा क्योंकि वो राम जी के परम भक्त थे। तो अकबर ने कहा कोई जादू दिखाओ तो हम तुम्हें मानेंगे। तो उन्होंने बोला मैं कोई जादू नहीं दिखाता हूँ, मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ और भक्ति में ही लीन रहता हूँ, मेरे पास कोई जादू विद्या नहीं आती है। तो भी अकबर को कोई संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने उनको कारागार में सारी रात पड़े रहने दिया। तो अगले दिन सुबह अकबर के किले के अंदर वानर सेना इकट्ठी हो गई। वानर सेना ने किले पे आक्रमण किया, अकबर के सिंहासन पर आक्रमण किया, सारी नगरी में वानर सेना हो गई। तो अकबर ने बीरबल से पूछा ये क्या हो गया, तो उन्होंने बोला ये राम जी की सेना है जो तुलसीदास जी के लिए रक्षा करने के लिए आई है। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो तुलसीदास जी को रोते हुए पाया और वो सारी रात हनुमान जी की आरती पूजा में लगे रहे थे। तो वहां पे रोते रोते उन्होंने सारी रात कुछ चुपाइयां, 40 चुपाइयां जो थी वो वहां लिखी थी, जिसे आज हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। और तब से ही ये चलन है कि जो भी सच्चे मन से किसी भी प्रॉब्लम मुसीबत से हनुमान चालीसा का जाप करता है उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसका वो हल होता है। तो तब से ये हनुमान चालीसा जो स्टार्ट हुई थी, तो इसी के साथ मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी और सभी टीचर्स हाथ जोड़ के इस हनुमान चालीसा की शक्ति का जाप करने के लिए तत्पर रहिए, तैयार हो जाइए सर। बुद्धिहीन तन जानी के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धि विद्या देहुमाही हरहु कलेश पिकार। सभी स्टूडेंट्स हाथ जोड़ के बैठे बेटा। लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज आर ध्वजा विराजे कांधे गुंज जने उसाजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान बुद्धि अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया
रूप धरी सियह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिउर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम्हारो जस गाए, कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी को विद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर बान, लियो ताई मधुर पल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काबू को डरना। आपन तेज समारो आते, तीनों लोक हाँकते काते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पिया, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पर पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बल तीन जान की मारा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई,
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ विजय महादेवा। कीजे नाथ हृदय महादेवा। पवन करय संकट हरण मंगल मूरति श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जोर से आवाज तो आई नहीं हनुमान चालीसा के बाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा अनुरोध है सर से कि यहाँ आके थोड़ा सा राम जी के लिए रावण जी के लिए आज थोड़ा सा दो शब्द कहें। उपस्थित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, प्रिया मैम, आप सबको मालूम है आज हम ये जो त्योहार मना रहे हैं ये किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं, किसके बारे में मना रहे हैं? रावण दहन दशहरे के अवसर पर। लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत के अवसर पर भी ये पर्व मनाया जाता है। आशा मैडम ने बहुत कुछ आप लोगों को रामायण के बारे में पहले से ही बता दिया है। मैं केवल एक चीज़ उसमें और ऐड करना चाहूँगा। जो राजा रोमपद थे जिनको दशरथ जी ने और कौशल्या जी ने अपनी पुत्री शांता को लालन पालन के लिए दिया था, वो अंग देश के राजा थे और उनकी पत्नी जो वर्षणी थी वो कौशल्या की बहन थी, यानी वो रामचंद्र जी की मौसी थी। ये चीज़ मैंने थोड़ा ऐड करना था। बाकी आप सबको इस उपलक्ष्य में और इस अवसर पर विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। सर, अब राम स्तुति करने के बाद रावण दहन की जो प्रथा है वो की जाएगी और सर मैम पिया मैम एक बार आरती की जोर जलाएंगे और राम स्तुति साथ साथ ही उतरेगी और सभी स्टाफ मेंबर्स वन बाय वन आरती के लिए यहाँ आ सकते हैं। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम
घट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नामी जनक सुशलम अजानु बुध श्रताप धर संग्राम जित कर दूषणम कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम देवि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंठ निवास करु महादि कर दल रंजन सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील सने हो जानावरो शीस सुनिश्चिय सहित ही हर्षी अनि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुद मन मंदिर चली शीस सुनिश्चिय सहित ही हर्षी अनि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुद मन मंदिर चली अर्चना मैम से अनुरोध है कि एक बार सभी के तिलक कर दीजिए और सर मैम पिया मैम से अनुरोध है कि रावण दहन के लिए आगे आए अर्चना मैम एक मुनेश मैम एक बार मैम सर और पिया मैम का तिलक कर दीजिए करेंगे यहाँ वो राक्षस मारे जाएंगे उन्हें
उन्हें मिटाने धरती पे श्री राम जन्म ले आए। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। भाई विभीषण शरण में आए, कुंभकर्ण मारे जाए, मेघनाद लक्ष्मण को सताए, लक्ष्मण उसके प्राण हरे। भाई विभीषण शरण में आए, कुंभकर्ण मारे जाए, मेघनाद लक्ष्मण को सताए, लक्ष्मण उसके प्राण हरे। रावण राम से लड़ता माया अपनी दिखाता है, मायापति श्री राम के आगे कुछ भी ना चल पाता है। रावण कितना छल बल कर ले, राम जी मार गिराएंगे उन्हें, मिटाने धरती पे श्री राम जन्म ले आए।